अमृतसर में गोल्डन टेंपल के बाहर चली गोली, सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। गोल्डन टेंपल के गेट पर पहरेदारी सेवा में थे बादल। हमलावर नारायण सिंह ने पिस्टल से दो राउंड फायरिंग की। गुरदासपुर के चौरा गांव का रहने वाला है हमलावर। पुलिस ने हमलावर नारायण सिंह चौरा को पकड़ा। हमलावर नारायण सिंह से पुलिस की पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि गुरदासपुर के चौरा गांव का रहने वाला है। इसी के साथ गोल्डन टेंपल के गेट पर पहरेदारी सेवा में थे बादल। पूरा मामला अमृतसर में गोल्डन टेंपल का है, जहां पर बाहर गोली चली है सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में बाल बाल बचे सुखबीर सिंह बादल। गोल्डन टेंपल के गेट पर पहरेदारी सेवा में थे बादल। हमलावर नारायण सिंह ने पिस्टल से दो राउंड फायरिंग की। गुरदासपुर के चौरा गांव का रहने वाला है हमलावर, और इसी के साथ पुलिस ने हमलावर नारायण सिंह चौरा को पकड़ लिया है। पूछताछ की जा रही है। देखो जी, साडा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रबंध सी, ये जड़ा जड़ा बंदा सी हाँ प्रॉपर निगाह रख रहे सी वो अंदर बिल्कुल बिल्कुल साडे कोल। असी सुखबीर जी नूं कवर कीता सी, साडे कोल साडे कमिश्नर साहब वालों सवेर की बड़ी सख्त हदायत सी। मैं सुबह 7 बजे का एडवांस हो गया आया सी इत्थे, असी बिल्कुल प्रॉपर साडी ड्यूटी लगी सी, इसे करके ही महाराज ने बचा कीता। बंदा फड़िया गया और डेरा बाबा नानक हल्के दे विच सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा दा ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਸੋਨੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਭਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं, तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ, दूसरी तस्वीर गोली का खोखा आप देख सकते हैं, तीसरी तस्वीर दीवार पर गोली के निशान लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। हालांकि पूछताछ की जा रही है आरोपी से, पकड़ लिया गया है आरोपी को, और देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, गोल्डन टेंपल के बाहर हमला किया गया सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोल्डन टेंपल के गेट पर पहरेदारी सेवा में थे बादल। हमलावर नारायण सिंह ने पिस्टल से दो राउंड की फायरिंग की। आगे बढ़ेंगे, जहां बादल पर हमले को लेकर पंजाब पुलिस का बयान भी सामने आया। सुखबीर बादल पर हमला नाकाम किया, पंजाब पुलिस ने कहा सुखबीर बादल पर फायरिंग की कोशिश हुई, सुरक्षा अधिकारी चौकस थे। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जब शांति बनाए रखें इसकी अपील भी की जा रही है। बड़ी जानकारी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। दरअसल आरोपी को पकड़ लिया गया है, पूछताछ भी जारी है, इसमें देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। इसी के साथ सब शांति बनाए रखें, पंजाब पुलिस की तरफ से अपील भी की जा रही है। तो बता दें आपको, गोल्डन टेंपल का ये पूरा मामला है। गोल्डन टेंपल के बाहर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया है और अब पूछताछ भी की जा रही है। बादल पर हमले को लेकर पंजाब पुलिस का जो बयान है वो भी सामने आया है। ऐसे में देखना होगा कि जब पूछताछ पूरी होगी उसके बाद क्या कुछ खुलासे होते हुए नजर आते हैं। सुखबीर सिंह बादल पर क्यों जानलेवा हमला किया, किसने करवाया, अभी तक ये चीजें सामने नहीं आई है। सुरक्षा अधिकारी चौकस थे, से सुखबीर सिंह बादल सुरक्षित हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, गोल्डन टेंपल के बाहर अचानक से फायरिंग होती है, सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया जाता है, क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? पूछताछ में कोई जानकारी हासिल हुई पुलिस को? एक जो बाजार है उसके जो चेयरमैन है उनका भाई है, वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का है, तो कहीं ना कहीं ये सारा एक निशाना जो है वो कांग्रेस पे चला जा रहा है कि कांग्रेस ने जो ये फायरिंग जो है वो करवाई है। जो
जो जब वो जब वो मंदिर में वहाँ पे घुसा गोल्डन टेम्पल में, तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी थी सुबह थी बादल जी, वो पहले ही अलर्ट हो गई थी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो सिक्योरिटी ने पहले ही उसके ऊपर नजर रखनी जो थी वो शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वो आगे जाता जा रहा था, सिक्योरिटी जो थी वो उसका ध्यान भी रख रही थी कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। पहले वो मंदिर तो आगे बढ़ा मत्था टेकने के लिए, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को यही लगा कि आप मत्था टेकने के लिए आए, पर जिस तरह से जैसे उन्होंने पिस्टल तानी और वो गोली चलाई, तो कहीं ना कहीं फायदा ये हुआ कि जो सिक्योरिटी जो थी वो बिल्कुल सुखबीर सिंह बादल के साथ ही, तो कहीं ना कहीं वो गोली वो चली उनको लग नहीं पाई और उसी समय जो आरोपी है उसको दबोच लिया गया। और अब जब कांग्रेस के ऊपर भी जाना चाहता जा रहा है, तो जब हमने राजा बडिंग से बात की, उसे पूछा कि जो गोली चली है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें कांग्रेस का हाथ है तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, उसके ऊपर कोई एक्शन जो है वो जरूर लिया जाएगा। एक तो सुखबीर सिंह बादल जो है वो डिप्टी सीएम है, पर कहीं ना कहीं उनका पंजाब की में देखा जाए राजनीति में करियर जो है काफी लंबे समय से रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि गोल्डन टेम्पल में जाकर एक गोली चलाना कहीं ना कहीं और एक अपमानजनक भी माना जा रहा है, तो कहीं ना देखने वाली बात होगी जब आरोपी से पूछताछ की जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि क्या कारण था कि उसने गोली चलाई, तब बाकी की बातें जो है वो पता लगेगी। बिल्कुल शिखा, देखना होगा पूछताछ क्योंकि की जा रही है और क्या कुछ खुलासे होते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कहीं ना कहीं कांग्रेस पर शक जा रहा है, तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया क्या अभी तक? देखिए आरोपी जो है पकड़ लिया गया, उसकी पूछताछ जो है वो चल रही है, क्योंकि अभी तक अभी पूछताछ चल रही है, कोई भी अंदर से बताया नहीं जा रहा है कि वो कुछ बोला है या नहीं बोला है, उसका क्या कारण था। और ये है कि सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट हो गई है, जो लोग भी वहाँ दर्शन करने आ रहे हैं कहना कहीं उनकी जाँच जो है या उनको जो थोड़ी और टाइट तरीके से की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुखबीर सिंह बादल वहाँ पे थे तो सिक्योरिटी वहाँ उन्हें भी टाइट थी, पर अब इस फायरिंग के पास ही दुर्घटना होने के बाद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के ऊपर एक जिम्मेदारी जो और बढ़ गई है कि अब जो लोग दर्शन वहाँ पर करने आ रहे हैं उनकी जाँच इस तरह से की जाएगी कि उनको कोई दिक्कतें ना आए, पर जो लोग वहाँ पर आए हैं जो दुर्घटना हुई है ऐसी घटना जो है वो दोबारा ना हो। शिखा, जिस समय गोली चली थी उस समय सुरक्षा के कैसे इंतजाम थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम की वजह से ही यह हादसा टल गया। देखिए सुखबीर सिंह बादल जो थे वो वहाँ पे अपने जिनको सजा मिली हुई है वो करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो क्योंकि वो अपने निभा रहे थे, वो गेट पर बैठे हुए थे और गेट पर वो बैठ के नॉर्मल लोग जो आ जा रहे थे उनको देख रहे थे कि जिस तरह से लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और जब वो आरोपी वहाँ पहुंचा तो उनकी जो सिक्योरिटी टीम थी उसको पहले एक संदेश हो गया था कि ये यहाँ पर क्या करने आया है, सिक्योरिटी जो थी वो उनके पीछे जा भी रही थी, देख भी रही थी वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। पहले वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा, सिक्योरिटी को भी ये लगा कि शायद यहाँ मत्था टेकने ही आए हैं जो है हमको नहीं परेशान करते हैं, कोई पूछताछ नहीं करते, पर एक तरफ से जिस तरह से पिस्टल निकाल के चला दी, सबसे आराम की बात यह कि सिक्योरिटी जो थी वो पूरे आसपास की किसी भी तरह से, बस ये कि की बात है कि वो गोली जो है वो सुखबीर सिंह बादल जो है उनको नहीं लगी और वो बच गए, क्योंकि अगर गलती से वो गोली जो थी वो थोड़ी देर हो जाती है सुखबीर सिंह बादल को गोली चल रही, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो अमृतसर की थोड़ी अलग होती है। शिखा, क्योंकि आरोपी को पकड़ लिया गया है, पूछताछ भी जारी है, तो आरोपी के बारे में कोई जानकारी हासिल हुई, आरोपी का नाम, आरोपी कहाँ का रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आरोपी जो है वो अमृतसर का ही रहने वाला है, उसका नाम जो नाम है कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो है वो कांग्रेस से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहाँ का एक वहाँ की जो मार्केट है उनके जो चेयरमैन उनका भाई जो वो है और जो चेयरमैन जो है वो कांग्रेस का ही है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि इसलिए ही कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ रही है। अब जब उस चेयरमैन से बात की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी क्या सच में ऐसा कुछ है या उसके मन में क्या कारण थे, क्या नाराजगी उसके मन में चल रही थी जो उसने गोली चलाई, सब सारी रियलिटी जो है वो बाहर निकल कर आएगी। बिल्कुल, देखना होगा कि इसके बाद क्या कुछ चीजों का खुलासा होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरीके का जानलेवा हमला होना शिखा अपने आप में चिंता का विषय है, वो भी गोल्डन टेंपल के बाहर। जी बिल्कुल, कि वो एक ऐसी जगह है यहाँ पर सिर्फ ना ही पंजाब से बल्कि देश और विदेश से लोग जो है वो घूमने आए हैं, तो चलिए देखिए मान लेते हैं कि सुखबीर सिंह बादल को गोली नहीं लगी, पर गलती से अगर वो गोली किसी और को लग जाती है, किसी और की जान पर वो चीज हावी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो बहुत तस्वीरें जो है बहुत जला जाती, पंजाब सरकार के ऊपर से लेकर उंगलियां उठती, जो लोग जो है वहां पर घूमने आए थे उनके मन में डर पैदा होता है कि अगर हम अब गोल्डन टेम्पल जगह में भी अगर लोग सुरक्षित नहीं है या वहां जाकर भी अगर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, तो लोगों के मन में ये चीजें जो है वो सवाल पैदा कर लेते हैं कि मंदिर की जगहों पे यानी गोल्डन टेम्पल जगहों पर भी अगर गोलियां चल रही है, तो अब कहीं
कहीं ना कहीं पंजाब में टेंशन जो है वो शायद बढ़ जाएगी, पर बात यह है कि उस टाइम पकड़ ले गए उसे पूछताछ जो है वो चल रही है, और अगर कांग्रेस का कहीं भी नाम सामने मतलब साथ निकल कर आता है तो कांग्रेस जो है वो इससे पूरा एक्शन लेगी। इस बात की श्योरिटी जो है वो राजा बडिंग के द्वारा दी जा रही है। जी बिल्कुल शिखा, जब भी इस तरीके की घटना होती है जाहिर सी बात है वहां पर जो आम लोग पहुंच रहे होते हैं उनमें एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। ऐसे में देखना होगा अब आगे किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।